नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ, जहां उत्तर प्रदेश के उन्नाव का एक युवक पाकिस्तान की लाहौर जेल में बंद है। उन्नाव की सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले का रहने वाला युवक पिछले 3 साल पहले घर से निकला और वापस ही नहीं लौटा। परिजन उसकी तलाश करते रहे लेकिन कुछ पता ही नहीं चल सका। अब 3 साल बाद पाकिस्तान दूतावास ने भारतीय दूतावास से जानकारी मांगी है और लाहौर जेल में बंद होने की बात बताई है। दरअसल नागरिकता के बारे में जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद चिट्ठी लिखकर रिपोर्ट तलब की गई। जल्द ही पूरी जानकारी एम्बेसी को भेजी जाएगी। ये सूरज पाल है, पिता का नाम शंकर है। यहाँ पे सुल्तान खेड़ा है अकरमपुर में, ये कोतवाली क्षेत्र तहसील सदर का गाँव है, वहीं के रहने वाले हैं। उनको भी सर पूछा गया था कि यहाँ के कहाँ के रहने वाले हैं, उनका पता आया था सत्यापन करने के लिए। तो उन लोगों ने देखा उनके नाम जमीन जो गाँव में है और उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तो उसका डिटेल हम लोगों ने वहाँ भेज दिया है। वही जानकारी मांगी गई थी, जानकारी हमने दे दिया। स्कूटी सवार 3 युवतियां बुरी तरह से घायल हो गईं। दरअसल चलती स्कूटी पर मोबाइल से रील बनाते समय स्कूटी के फिसलने से यह हादसा हुआ है। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां तेज रफ्तार स्कूटी सवार 3 युवतियां बुरी तरह से घायल हो गईं। दरअसल चलती स्कूटी पर मोबाइल से रील बनाते समय स्कूटी से फिसलने से यह हादसा हुआ है। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां डीआरपीओ द्वारा चंडीगढ़ में एक 5 दिवसीय ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों के जेल अधीक्षक आमंत्रित किए गए थे। इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर के जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने भी भाग लिया था, जहां सभी जेल अधीक्षकों द्वारा जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा द्वारा बताई गई खूबियों को सराहा गया, जिसके बाद हरियाणा के गृह सचिव ने जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को प्रस्तावित पत्र देकर सम्मानित किया और कहा कि अब अन्य राज्यों में भी मुजफ्फरनगर जिला कारागार की तरह बाकी जिलों में भी कायापलट होगी। ये भी चंडीगढ़ में इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो बीपीआरडी के तहत काम करता है, तो वहाँ पर एक 5 दिवसीय ट्रेनिंग था जो विभिन्न राज्यों के जेल अधिकारियों के लिए था। उसमें उत्तर प्रदेश से में भी नामित था। उसमें वो टॉपिक था रिहैबिलिटेशन ऑफ इनमेट्स का था, प्रिजन इनमेट्स के लिए जो रिहैबिलिटेशन के किस तरह से काम किया जा सकता है उनके रिफॉर्मेशन के बाद। वही अगली खबर लखनऊ से आ रही है, जहाँ ज्ञान वापी पर सीएम योगी के दिए बयान पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा, मुस्लिम समाज में ऐतिहासिक गलती हुई है, इसके लिए इसके समाधान के लिए मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए। योगी का बयान आते ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पलट कर ये जवाब दिया है। वही अगली खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस सो रही थी और पूरे जनपद में लगातार चोरियां हो रही हैं। वही आम जनमानस भयभीत है, बेखौफ चोरों ने पुलिस की रात्रि गश्त की पोल खोलते हुए नजर दिखा रहे हैं। वही सराफा की दुकान का ताला तोड़कर सोनी चांदी के जेवरात और नकदी समेत लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया है। वही अगली खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां जिले में तैनात एक सिपाही अपने मानवीय कार्य के लिए चर्चा में है। एसपी ने सिपाही को उसके अच्छे काम के लिए 10,000 रुपए का इनाम दिया है और उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। ये जनपद में आरक्षी है सुरेश सबलोक, जो कि इस समय 112 में तैनात है। इसके द्वारा अपने अल्प वेतन में से ही अपने स्वयं के जो इसकी प्रवृत्ति के अनुसार जब भी कभी इसको कोई व्यक्ति पिंजरे में बंद चिड़िया बेचते हुए दिखाई पड़ जाता है, ये स्वयं उनको खरीद लेता है
और तत्काल ही उनको आज़ाद कर देता है। इसके बारे में अभी पता लगा है कि अन्य पशुओं के लिए, गायों के लिए चारा वगैरह की व्यवस्था करता है अपने वेतन से। वही अगली खबर संभल से है, जहां जिले के सिद्धपीठ श्री चामुंडा देवी मंदिर समिति ने नया फरमान जारी किया है। इसके तहत मंदिर में अमर्यादित वस्त्र पहनकर आने पर रोक लगाई गई है। बकायदा मंदिर के द्वार पर पंपलेट चिपकाए गए हैं, जिसमें अमर्यादित वस्त्र पहनकर पूजा करने वालों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वही मंदिर में पूजा अर्चना को आने वाले श्रद्धालुओं को आदेश दिया गया है कि इस आदेश का पालन किया जाए। वही अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां भारत सरकार द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय गोकुल मिशन अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद मुजफ्फरनगर में पशुओं की नस्ल सुधार के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने नवीन मंडी स्थल पर एक कार्यक्रम आयोजित कर गोकुल मिशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एनडीडीबी के सहयोग से नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड एक संस्था है भारत सरकार की, उसके सहयोग से 7 जिलों को जोड़ते हुए जिसमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर और बिजनौर, इन 7 जिलों को जोड़ते हुए एक नई कोऑपरेटिव की स्थापना की। उसका नाम रखा गया हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव। हरित प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, इसलिए मैंने इसका नाम हरित प्रदेश रखा। वही अगली खबर कासगंज से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अवैध रूप से संचालित शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने एक अभियुक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया है। वही गिरफ्तार अभियुक्ति के कब्जे से पुलिस ने 4 अवैध तमंचे, 1 बंदूक, 4 अदबने तमंचे, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस और शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। थाना सुनगढ़ी के कटरी के क्षेत्र से एक थाना सुनगढ़ी पुलिस और जो हमारी एसओजी की टीम है, इन्हें एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति चरण सिंह, जो कि लगभग 50 वर्ष की इसकी उम्र है, ये कटरी क्षेत्र में एक निर्जन स्थान को चिन्हित करके वहाँ पे अवैध असलहे बनाने का कार्य कर रहा है। इसी सूचना पे विश्वास करते हुए थाना सुनगढ़ी पुलिस और हमारी एसओजी की टीम ने आज ये एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है, जिसके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहे और इन्हें बनाने के उपकरण बरामद किए जा रहे हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके न्यायिक अभिरक्षा में इन्हें भेजा जा रहा है। वही अगली खबर झांसी से है, जहां कच्ची शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व में मोर्चा खोलकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया और कच्ची शराब समेत नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाए जाने की मांग भी की। मामला है, क्यों कलेक्ट्रेट में सब आए? पूरे जिले के अंदर नशे का खुलेआम व्यापार हो रहा है, दुकानों पे नशे की गोलियां बिक रही, और मोनी बाबा जो पूरे बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़े संत थे, उनके आश्रम के पास जो ग्राम है अर्जार, उस अर्जार में खुलेआम कच्ची शराब बिकी, उससे पिछले 2 महीने में कम से कम 20 आदमियों की मृत्यु हुई। वही अगली खबर गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के गुर्गे भीम सिंह के बेटे ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मुख्तार के गुर्गे भीम सिंह के बेटे अमन सिंह ने सरेआम जमकर गुंडागर्दी की है। गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के लंका चुंगी पर भीम सिंह के बेटे अमन ने युवक की बेरहमी से पिटाई की थी। मामूली विवाद में अमन सिंह ने युवक को अपने साथियों के साथ चौराहे पर जमकर पीटा। वहीं अमन सिंह की इस गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मुख्तार का गुर्गा और शार्प शूटर भीम सिंह अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। मामला है सदर कोतवाली का, जहाँ पे वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भीम सिंह के पुत्र के द्वारा जो है लोगों को मारा पीटा जा रहा है। क्या है सर मामला, अब तक क्या कार्रवाई की गई? कल शाम को कोई मारपीट हुई थी दारू के नशे में, एक मोटरसाइकिल वाले में और कुछ कार सवारों में। उस पर तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है
और उसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। बाकी उसकी जांच सीओ सिटी कर रहे हैं, जो और कथाएंगे उसके आधार पर अग्रेतर कार्रवाई उसमें की जाएगी। अगर कुछ और चीजें निकल के आती है, प्रथम दृष्टया दारू पी के सड़क पर मोटरसाइकिल खड़ी करने और गाड़ियों के निकलने के लेकर कोई विवाद हुआ था आपस में। वही अगली खबर लखनऊ से है, जहां बीच सड़क पर मारपीट का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल एक युवक को दो लोग पीटते हुए नजर आ रहे हैं। बेल्ट से युवक की पिटाई का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। चौक कोतवाली के चरक चौराहे का ये पूरा वीडियो और मामला बताया जा रहा है। वही अगली खबर सितारगंज से है, जहां कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 28 जुलाई को हुई हत्या का खुलासा किया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि ग्राम साधु नगर क्षेत्र में पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद मृतक के भाई प्रेम सिंह भगवान सिंह के बेटे निवासी खोटिया थाना तिकुनिया जिला लखीमपुर खीरी ने कोतवाली पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। वही अगली खबर पौड़ी से आ रही है, जहां शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। यहां अब एक 5 वर्षीय बालिका पर आवारा कुत्तों ने हमला कर बालिका को घायल कर दिया है, जबकि इससे पूर्व भी आवारा कुत्तों के झुंड ने 2 बकरियों को अपना निवाला बनाया था, जिस पर स्थानीय लोगों ने नगरपालिका से शिकायत कर आवारा कुत्तों से उन्हें निजात दिलाने की मांग भी की थी। वही अगली खबर लखनऊ से है, जहां अधिवक्ताओं ने किया मध्यांचल विद्युत वितरण के विभाग का घेराव। वही कचहरी में बिजली ना आने पर भड़के वकील, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम पर वकीलों द्वारा किया गया प्रदर्शन। वही बिजली कटौती और नए कनेक्शन को लेकर जनता की समस्याओं को लेकर मध्यांचल मुख्यालय पर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन और नारेबाजी किया गया। जो आजकल देख रहे हैं कि हम लोग की कचहरी में इतनी लाइट की कमी है, आज के पेपर में पड़ा हुआ 27,000 ट्रांसफार्मर जो फूक गए हैं, 25 दिन के अंदर 27,000 ट्रांसफार्मर फूक रहे हैं। कोई भी ट्रांसफार्मर का लोड नहीं, कोई लोड नहीं हो रहा है। जब और हमारे पास 20-25 कंज्यूमर ऐसे आए जिनको नया कनेक्शन चाहिए था, जब वो नया कनेक्शन ले आते हैं बताते हैं कि वहां जाते हैं तो GTP अप्रूवल के लिए पैसे की मांग की जा रही है। अब आप बताइए जो आदमी इतनी गर्मी में कैसे रहेगा बिना कनेक्शन के लिए, कहाँ पैसा लाए, कहाँ से इतना पैसा लाए, अप्रूवल के नाम पर भी पैसा मांगा जाता है, सिर्फ मटेरियल के अनुमोदन के लिए भी पैसा मांगा जाता है। वही अगली खबर संत कबीर नगर से है, जहां पहुंची पुलिस की प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम कानून व्यवस्था पर समीक्षा की बैठक की है। प्रभारी मंत्री के समीक्षा बैठक में मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने खड़ा किया बड़ा ही सवाल। वही अपने पासपोर्ट पर पुलिस द्वारा लगाई गई गलत रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता से कई बड़े सवाल भी पूछे। वही अगली खबर उन्नाव से आ रही है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर जनपदीय चोरों का गिरोह पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं भारी मात्रा में चोरी का सामान और 2 अवैध तमंचा में जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। वही अगली खबर कासगंज से है, जहां कोतवाली पटियाली क्षेत्र के भरगैन में पुलिस ने कस्बा भरगैन के पूर्व चेयरमैन अहमद नफीस कालिया नाम के अपराधी की 53 लाख की अवैध संपत्ति को जब्त कर लिया है। इस अपराधी की पत्नी जैतून बानो के नाम पर यह संपत्ति थी, जिसके बाद कोतवाली पटियाली पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ जाकर जब्त करने की कार्रवाई की। वही अगली खबर झांसी से है, जहां सोशल मीडिया पर दरोगा और पत्रकार के खिलाफ झूठे बयानबाजी कर खुद को भाजपा नेता बताने वाली महिला, एक ही परिवार की 3 महिलाओं ने जिसमें फरोशी न करने पर उनके पति की हत्या करने का आरोप लगाया है।
वही आपको बता दें कि ये वही महिला है जो खुद को भाजपा नेत्री बताकर दरोगा और एक पत्रकार पर झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाकर सोशल मीडिया पर बयान जारी किए थे। वही अगली खबर कासगंज से है, जहां 40 वर्षीय संविदा कर्मी की ट्रेन कटकर मौत हो गई। वही मृतक की पहचान कस्बा सोरो निवासी चंद के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वही अगली खबर झांसी से है, जहां वर्षा ना होने की वजह से इस वर्ष भी भयंकर सूखे के चलते किसानों की खरीफ फसल उड़द मूंगफली तिल की फसल सूख गई है। वही किसानों के खेतों का प्लांट टू प्लांट सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए जाने को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान में तहसील प्रांगण विशाल धरना प्रदर्शन करते हुए किसानों ने सूखा घोषित करने की मांग की है। वही अगली खबर देवरिया से आ रही है, जहां दो कांवड़िया 11,000 हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से उनकी मौत बताई जा रही है। इन कांवड़ियों की टोली मदनपुर गांव से निकलकर ट्रॉली पर डीजे बांधकर जा रही थी, तभी बिनोवापुरी के समीप हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गई, जहां ट्रॉली पर बैठे मदनपुर के वार्ड नंबर 8 के निवासी दीपक राजभर की मौके पर ही मौत हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।